हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज वीडियो में से बताऊंगा मैं जो ग्रिट वॉश होता है वो क्या होता है, ग्रिट वॉश को कैसे करते हैं और कैसे उसका मेथड होता है लगाने का। तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ, जो ग्रिट वॉश के अंदर जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ग्रुप में जो बेडिंग्स लगाते हैं, बेडिंग्स को बोलते हैं। तो ये है हमारे पास एलुमिनियम की बेडिंग और एक वुडन की आती है, जो लकड़ी की होती है। इसकी जो डेप्थ और थिकनेस अलग अलग पे आता है, डिपेंड करता है कि ग्रिट वॉश कितने mm की थिकनेस पर ले रहे हैं आप। तो ये जो ग्रिट वॉश मिनिमम कर रहे हैं 10 mm की है, तो ये 10 mm की बिडिंग है और इसको ग्रुप है वो है 12 mm का। तो इसका फ़ायदा है, लॉस भी वो भी होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ये भी होते हैं कि एलुमिनियम फंडी जो होती है ग्रिट वॉश के साथ लगाने के साथ साथ इसको नहीं निकालते हैं। और दूसरा फायदा होता है कि इसमें जो ग्रुप होते हैं बिल्कुल एक अलाइनमेंट में दिखते हैं। दूसरा कि जो ग्राउट होता है सीमेंट का, जो ग्राउट करते हैं वो भी जो जो जॉइंट होते हैं वो नहीं करने पड़ते हैं, जबकि लकड़ी को निकालने पड़ते हैं और उसको ग्राउट करना पड़ता है, ताकि बाहर का जो ग्रिट वॉश होता है बरसात के टाइम पे पानी वानी ना उसमें लीक जाए, सीलेंट ना हो, उसकी वजह से पपड़ी ना बने, पूरा का जो पूरा पैनल्स होते हैं वो गिर जाता है उस नमी के कारण। तो ये इस तरह से लगा जाता है। तो क्या प्रोसेस रहता है मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें जो मोर्टार होता है 1:1 का होता है, 1:1 आपका सीमेंट होता है, 1:1 इसमें ग्रिट होती है। और जो साइड सरफेस देख रहे हैं, जो वाला साइड हो जैसे वाल है, वाल का जो जैम है भी डोर ओपनिंग का जो जैम होता है या फिर फेस का है, तो फेस में कौन सा वाला जो बिडिंग लगाते हैं, ये तो एल्यूमिनियम फंडी से लगा सकते हैं या फिर एक एल आपकी इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये एक एल टाइप में होती है, ये भी 10 mm का डेप्थ होती है और ये इस तरह से आपको नेल्स होती है जो कील होती हैं आपकी, जो मिनिमम 1 इंच पतली होती है, बहुत आधा इंची वाली, तो इसमें अच्छे से ठोक दी जाती है।